हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। और आज के सेशन में लेक्चर नंबर 3 और आगे का टॉपिक कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कहाँ तक कवर किया था ये हम देखते हैं। ये जो हमारा लिखा हुआ है, मैनेजमेंट द सैलिनिटी प्रॉब्लम ऑफ सॉइल, मतलब सैलिनिटी का जो प्रॉब्लम है सॉइल में, उसका हम लोगों ने मैनेजमेंट पढ़ा हुआ था। और इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ये जो लिखा हुआ है, मैनेजमेंट ऑफ एसिड सॉइल सूटेड। क्या है, मैनेजमेंट ऑफ एसिड सॉइल सूटेड। अब इसका क्या है, इसका जो मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, इसके लिए हम आगे लिखे हुए हैं, लाइम इज अप्लाइड। लाइम मतलब चूना। क्या मतलब क्या होता है, चूना, जो चूना होता है, चूने को अप्लाइड करेंगे। क्या अप्लाइड करेंगे, कितना अप्लाइड करेंगे, ये भी हम देखते हैं। ठीक है, चूने को अप्लाइड करेंगे बिफोर लास्ट प्लॉइंग, मतलब जब अंतिम प्लॉइंग करेंगे, अंतिम जुताई करते हैं, तो चूने को 2.5 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर देते हैं खेत में। ओके, इतना काम करते हैं एसिड सॉइल के सूटेड के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अब आगे का नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अगला टॉपिक इसमें क्या है। अभी एक और है, वीड मैनेजमेंट। हम वीड मैनेजमेंट पे चलते हैं, ठीक, और उस पर भी ध्यान देते हैं कि हमें कौन कौन से सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो आगे चलते हैं। वीड मैनेजमेंट का ये है, वीड मैनेजमेंट, ठीक है। वीड मैनेजमेंट का हम पढ़ते हैं आगे का है। वीड मैनेजमेंट में, हाँ, हम आगे वीड मैनेजमेंट पे किसकी प्रकार का, किस तरीके का वीड मैनेजमेंट करेंगे। वैसे तो वीड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वीड अगर बढ़ गई फसल में, पैडी में, तो पैदावार कम कर देगी, यील्ड कम कर देगी, और वीड ज़्यादा हो जाएगा तो इससे ज़्यादा नुकसान होगा क्रॉप। ठीक, तो आगे का जब खरपतवार ज़्यादा होंगे तो फसल कम होगी, और फसल में यील्ड कम होगा तो खरपतवार तो ज़्यादा वैसे भी होंगे। ठीक, फालतू लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है क्रॉप में, अच्छे लोग आएंगे, अच्छी क्रॉप होगी, अच्छा चीज़ होगा तो ही अच्छी यील्ड होगी। ठीक, तो नेक्स्ट आते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए वीड मैनेजमेंट आएंगे। जो वीड मैनेजमेंट का टॉपिक है आपको दिखाते हैं, वीड मैनेजमेंट की टॉपिक ये रही, वीड मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब खरपतवार प्रबंधन। ठीक है, आप इसको अब इसको कवर करेंगे, खरपतवार प्रबंधन को। तो हम आगे की तरफ देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, शुरू से लेकर अंत तक। शुरू में हम लोग को ये करना पड़ेगा, फ्रेंड्स बदलते हैं, कलर बदलते हैं। प्री इमरजेंस एप्लीकेशन ऑफ टेटिला को लिखिए। प्री इमरजेंस मतलब जमाव से पूर्व का जो एप्लीकेशन होगा, ऑफ प्री टीला क्लोर, ये एक प्रकार केमिकल होता है, एट द रेट एक के जी। ठीक है, एक के जी इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है, एक के जी एक्टिव इंग्रेडिएंट देंगे इन ऑन 3 DAT। ठीक है, DAT और ये PF, ये भी एक प्रकार का, इसमें भी कई हैं। ये क्या नाम है, पहले तो प्रेटील एकर ये देंगे। ये जो नाम लिखा हुआ है बहुत उल्टा सीधा नाम देता है। ठीक है फ्रेंड, फिर इसके बाद पैराजो सल्फ्यूरान, इसके बाद क्या करेंगे, पैराजो
सल्फ्यूरान, ये देंगे इथिल 10% डब्लू पी का मतलब पाउडर के रूप में देते हैं, ठीक है, एट द रेट 150 ग्राम मिक्सचर ऑन 3 DAT डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग प्लस हैंड वीडिंग भी करेंगे। हैंड वीडिंग बेहद ज़रूरी होता है, बिना हैंड वीडिंग के आप कुछ बेहतरीन नहीं कर सकते, इसमें हैंड वीडिंग बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। हैंड वीडिंग और साथ साथ हैंड वीडिंग को भी करेंगे ऑन 45 दिन TAT डेट ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग के 45 दिन बाद हैंड वीडिंग भी करेंगे। फिर इसके बाद एक और है ब्यूटाक्लो 0.75 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट हेक्टेयर प्लस बेंसल्फ्यूरान मिथिल, बहुत प्रकार के आपके पास दवाएं हैं, ऑक्सीडीजन नोट कर लीजिए 87.5 एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉलोड बाय पोस्ट इमरजेंस। हाँ, ये प्री इमरजेंस की थी, ये क्या है पोस्ट इमरजेंस की, क्या है ऑक्सीडीजन OXATIAZON एलॉन्ग विथ हैंड वीडिंग। इसका हैंड वीडिंग कब करेंगे, 45 दिन, ये कितना 35 दिन, ठीक है। फिर आगे का जो होता है अर्ली पोस्ट, मेन चीज़ है अर्ली पोस्ट इमरजेंस, मतलब पोस्ट इमरजेंस मतलब जमाव के बाद जो पहले एप्लीकेशन करेंगे, बाई स्पायरिक सोडियम 50 ग्राम इंग्रेडिएंट 2 से 3 लीफ स्टेज की अवस्था में इसे किया जाता है। वीड मैनेजमेंट करेंगे, हैंड वीडिंग 45 दिन बाद इसमें कर लेंगे। और पोस्ट इमरजेंस 2,4-D सोडियम साल्ट के साथ, ये एक केमिकल का नाम भी है, ठीक है, इसको ज़्यादा घुमा लेंगे। तो पोस्ट इमरजेंस में 2,4-D बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और 625 लीटर पानी के साथ 1.2 kg हेक्टेयर 625 लीटर पानी में डिजॉल्व करके वॉल्यूम 3 वीक ट्रांसप्लांटिंग के 3 सप्ताह बाद, मतलब 1 महीने के अंदर ही लास्ट वीक में ट्रांसप्लांट स्प्रे कर देंगे। व्हेन द वीड आर 3-4 लीटर, जब खरपतवार 3 से 4 पत्तियों का हो जाए तब जाके हमको इसका स्प्रे करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब अगला टॉपिक कवर करते हैं फ्रेंड्स, ये क्या है सीड प्रोडक्शन। अब हम इसमें आपको कवर कराएंगे सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन का क्या महत्व है, अब ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। आइए आप पढ़ते हैं सीड प्रोडक्शन का, ये हमारा पहला जो टॉपिक लिखा हुआ है सीड प्रोडक्शन का, इसको पढ़ेंगे। ये है सीड प्रोडक्शन, आइए कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा कलर चेंज करने में। ये है सीड प्रोडक्शन, ठीक है। तो सीड प्रोडक्शन मतलब बीज का उत्पादन हम कैसे करेंगे, ठीक है। बीज का उत्पादन करने के लिए आइसोलेशन जो डिस्टेंस होती है, ये हुआ आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर वैरायटी लेंथ, मतलब क्या हुआ जो आइसोलेशन जो पौध की दूरी होती है, पृथक्करण दूरी, उसका वैरायटी के हिसाब से, मतलब जो वैरायटी होती है वैरायटी के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से उसको दूरी दी जाती है। जैसे ये इसमें लिखा होगा आपका F&C, ठीक है। F&C का मतलब क्या होता है, F का मतलब फाउंडेशन सीड और C का मतलब होता है सर्टिफाइड सीड, ठीक है। F का मतलब फाउंडेशन सीड और सी का मतलब सर्टिफाइड सीड। इसमें कितना होता है 3 मीटर देते हैं, कितना देते हैं 3 मीटर, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस, ये है आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होना चाहिए और किसके लिए, हाइब्रिड सीड, क्या हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, और इसमें फाउंडेशन और सर्टिफिकेशन के लिए अलग अलग दिया रखा है। इसमें तो एक ही था 3 मीटर, इसमें फाउंडेशन के लिए 200 मीटर और सर्टिफाइड के लिए 100 मीटर, दो अलग अलग कैटेगरी में दिया है। इसके लिए हाइब्रिड के लिए ये वैरायटी नीड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिस वैरायटी की नीड हो उसके लिए, सभी वैरायटियों के लिए 3 मीटर। और इसमें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन मैकेनिज्म के द्वारा,
मतलब यांत्रिक विधि द्वारा हाइब्रिड बीट का, उसमें क्या देंगे CGMS सिस्टम के थ्रू सेंटीग्राम, इसमें CGMS सिस्टम के थ्रू और इसमें A into B and R लाइन बेस्ड, ठीक है, हाइब्रिड से ये दिया है मैकेनिज्म सिस्टम है ये CGMS सिस्टम और A into B और A एक लाइन और रो का सिस्टम है, ठीक है, लाइन बेस्ड होता है। और अगला है D फॉर पैनिकल एंड स्टिग्मा एक्सट्रैक्शन, पैनिकल और स्टिग्मा जो है एक्सट्रैक्शन जब बाहर निकलने होते हैं तो इसमें क्या करेंगे, GA3 का स्प्रे करेंगे, GA3 हार्मोन, ठीक है, GA3 क्या है, हार्मोन है एक प्रकार का, हार्मोन कौन सा है, हार्मोन है GA3 जिब्रेलिक एसिड, क्या होता है जिब्रेलिक एसिड, ठीक है, ये हार्मोन होता है, ठीक, जिब्रेलिक एसिड ये हार्मोन, ठीक है, तो इसको इसका हम छिड़काव करते हैं, रिकमेंडेड करते हैं, इसी को रिकमेंड करते हैं छिड़काव के लिए जिब्रेलिक एसिड का, ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। अब आगे का जो दिया हुआ उसे हम कवर करेंगे, ठीक है, ठीक है, सर आगे आते हैं सीड टेस्टिंग। अब सीड की टेस्टिंग भी होती है, ठीक है, हम सीड की टेस्टिंग भी तो करेंगे, सीड प्रोडक्शन सीड की टेस्टिंग करेंगे, सीड कैसी है, ठीक है, सबमिटेड जब सीड करेंगे तो कितना ग्राम देंगे, जनरेशन काउंट करेंगे, कितना परसेंट जेनेटिक प्योरिटी पे है, कितना परसेंट जो है फिजिकल प्योरिटी पाई जाती है, तो इसके हम देखेंगे। पहला क्या है, सबमिट सैंपल फॉर सीड टेस्टिंग, सीड टेस्टिंग के लिए जो सबमिटेड सैंपल होता है वो 400 ग्राम ही दिया जाता है, और वर्किंग सैंपल जो वर्क करता है इसके लिए वर्क करना है फॉर सीड टेस्टिंग वो 40 ग्राम ही होता है, ठीक है, वर्किंग सैंपल है, सबमिटेड सैंपल एंड वर्किंग सैंपल, ऐसा कुछ अगर लिखना हो तो बहुत जरूरी, ये लाइटली हमें ध्यान देने की बात है, ठीक है। और आगे जर्मिनेशन काउंट, जर्मिनेशन जर्मिनेशन मीन्स ये क्या होता है, अंकुरण की संख्या, फर्स्ट काउंट 5 डेज पर करेंगे, फाइनल काउंट 14 डेज, ठीक है, लास्ट 14 डेज इसको करेंगे, इस प्रकार हम जर्मिनेशन करेंगे। और नेक्स्ट है मिनिमम लिमिट ऑफ जर्मिनेशन, कम से कम इसमें अंकुरण कितनी होती है हमको ये देखना है, तो इसमें कम से कम अंकुरण 80% होगी, ये याद कर लीजिएगा, ये कंप्यूटेशन के हिसाब से बहुत अच्छी क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा है, ये मिल सकता है आपको। और फिजिकल प्योरिटी ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है, 98% पाई जाती है फिजिकल प्योरिटी, ठीक है, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे पढ़ेंगे सीड मॉइस्चर, सीड मॉइस्चर जो टॉपिक है हमारा, ये सीड मॉइस्चर इसमें 13% होनी चाहिए पैडी में, सीड में मॉइस्चर। और ODV और जो डिस्टिंग्विशेबल वैरायटी जो होती है 0.5% फॉर फाउंडेशन सीड एंड 0.05% सॉरी उसमें भी 0.05% था, तो इसमें वैरी कर दिया है सर्टिफिकेशन के लिए। और अब अगला टॉपिक है हमारा, अगला जो टॉपिक है हमारा रिसर्च के बारे में है, कहाँ कहाँ इसके रिसर्च सेंटर हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो आइए पढ़ते हैं रिसर्च। ये रहा रिसर्च सेंटर, पहला रिसर्च सेंटर हो गया TRRI, ये याद कर लीजिएगा, ये कंपटीशन में जरूर पूछेगा, तमिलनाडु राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तमिलनाडु राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अदुथुरई तमिलनाडु में, क्या वो अदुथुरई तमिलनाडु में, ठीक है। और सबसे मेन रिसर्च सेंटर ये है, इसमें CRRI
सी आर आर आई, ये हर कंपटीशन में आपसे पुटअप किया जाता है क्वेश्चन के रूप में, एमसीक्यू में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये रहा इसका, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ये रहा। कटक उड़ीसा, ये भी उड़ीसा में पाया जाता है जहाँ पर ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक। और एक और है आई आर आर आई, ये भी बहुत पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है संस्थान, केंद्र नहीं संस्थान है, ठीक है मनीला फिलीपींस में है, विदेश में है, ठीक है। और एक इंडियन भी है आई आई आर, इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होगा, आई आर आर आई ये विदेश की है और आई आई आर आर ये इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, यह हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है, एपी हैदराबाद में, आई आई आर आर आंध्र प्रदेश में है। और जो आई आर आर आई है यह मनीला फिलीपींस में पाया जाता है, ठीक है। आगे का है ये इम्पोर्टेंट है, दो इम्पोर्टेंट बहुत हैं, इसको जरूर याद करो, ठीक है। एम जी आर हंड्रेड, ये एम जी आर हंड्रेड है कोयम्बटूर 52, एम जी आर है सी ओ आर एच 1, ये सब यहाँ से निकाली गई हैं। रेड राइस, रेड राइस टी के एम 9 को कहते हैं, एम जी आर 100 कोयम्बटूर 52 और एम जी आर सी ओ आर एच 1। और अब देखिए जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है, सबसे इम्पोर्टेंट आपके बीएससी एग्रीकल्चर कंपटीशन में आपको पूछेगा, डिफिशियंसी सिस्टम ऑफ जिंक, जिंक से खैरा डिजीज, ये बहुत फेमस है, इसको ज़रूर याद करें, ये हमेशा पूछेगा, ये कभी नहीं भूलता नहीं है किसी कंपटीशन में, ज़रूर भूलता अगर पैडी का है, पैडी के सिम्टम्स का जिंक, ठीक है। जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। राइस ब्रान कॉन्टेंट अबाउट 12% प्रोटीन एंड 50% फैट, राइस के जो ब्रान में कितना क्या क्या पाया जाता है, 12% प्रोटीन 15% फैट, ठीक है 12% प्रोटीन एंड 15% फैट, ऑयल के रूप में निकाल लिया जाता है राइस ब्रान से। तो फ्रेंड यहाँ का रिसर्च का टॉपिक यहाँ समाप्त हो गया, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, रिसर्च की टॉपिक जो समाप्त हो गया, अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब दोस्तों अब 3 मिनट का वीडियो और बनेगा और आगे का जो टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 चल रहा है 4 में कवर करेंगे, तो आप तो घर बनाए रखिए क्योंकि धीरे धीरे ही लेक्चर को कवर करके और अच्छे से एक नोट्स बना सकते हैं, उस नोट्स में से आपको कंपटीशन लेवल का हम बता रहे हैं और उसको नोट कर दीजिए अलग से क्वेश्चन बना कर, जिसके थ्रू आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो नेक्स्ट आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ की एंड की और पेस्ट आइडेंटिफिकेशन कलर चेंज कर देते हैं, अच्छा होगा, ठीक है। ये कौन सा कलर करेंगे, ये कलर, ठीक है। कलर चेंज हो गया, आइए सिम्टम्स पढ़ेंगे, की और पेस्ट का, पेस्ट एंड डिजीज ETL, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन की ऑफ पेस्ट, की ऑफ पेस्ट, पेस्ट की पहचान कैसे होगी, पेस्ट का ETL लेवल क्या होगा, ETL क्या होगा, ETL मतलब इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, इकोनॉमिक ECONOMICS, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, थ्रेशोल्ड THRESHOLD, थ्रेशोल्ड लेवल। एक और होता है EIL, इंजरी लेवल होता है, तो वो आगे की जो पढ़ाई होगी उसमें पढ़ेंगे, अब इसको
ठहराते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक, पहला पॉइंट क्या है? ट्यूब गाल, ऑनियन, सिल्वर सूट, सिम्टम्स एंड हाउ टू कंट्रोल। ये जब चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं पेस्ट के रूप में, सिम्टम्स जब मिलेंगी पर्सन में, ट्यूब गाल, ऑनियन, सिल्वर सूट टाइप में, तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? तो इसका पेस्ट क्या होता है? राइस गाल में होता है। वन गाल पानी टच करें एंडेमिक एरिया 5% अफेक्ट करेगा टीलर्स को। इन नॉन एंडेमिक एरिया में 5% अफेक्ट करेगा देन इन मिल टिलिंग स्टेज पर। ठीक है, ये सीधा सीधा लिखा हुआ है, आप आगे पढ़ लीजिए। अब नेक्स्ट है रीजन फॉर कैटल ग्रेजिंग। रीजन फॉर कैटल ग्रेजिंग मतलब जो गाय चलती हैं पेरेंट्स ऑफ द फील्ड में, वो उसमें स्वानिंग कैटल फील्ड क्या कारण होता है? कैटल फील्ड जो होते हैं स्वानिंग करते हैं, स्वानिंग मतलब फैलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, तो उसको कहते हैं। इसलिए डिटेल कुछ नहीं, तो आप आसानी से आगे और नेक्स्ट इसको ज़्यादा अच्छे से नहीं कवर करा रहे हैं, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, रीजन फॉर डिफोलेशन ऑफ लीव्स फ्रॉम द टिप इरेगुलरली। जो टिप इरेगुलर होता है और डिफोलेशन मतलब पत्तियों का झड़ना। ठीक है, उसको क्यों राइस लीफ होल्डर का लीफ होल्डर वन डैमेज लीफ पर हिल, एक हिल में एक डैमेजिंग जरूर करेगा और वन लार्वी पर हिल, एक लार्वी एक हिल पर होता ही होता है। प्लांटिंग एंड वन टू फ्रेशली डैमेज, एक से तो फ्रेश डैमेज कर देगा एंड लीफ पर टिल्डिंग। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप जल्दी जल्दी बताते हैं, वीडियो लंबी बन रही है इसलिए। द रीजन ऑफ येलोइंग ऑफ लीव्स, जब येलोइंग ऑफ लीव्स टिप टू डाउनवर्ड, टिप से ऊपर से नीचे की तरफ जो है जब पत्तियाँ जो है आपकी पीली पड़ती हैं तो ग्रीन लीफ हॉपर के कारण पड़ती हैं। और रीजन ऑफ स्कॉर्च अपीयरेंस, हॉपर बर्न, स्कॉर्च मतलब स्कॉर्चिंग हो जाती है, हॉपर जलने जलनशील हो जाती है, ब्राउन प्लांट लीफ हॉपर के थ्रू होती है। और नेक्स्ट द इंसेक्ट नेम इट्स हैविंग डायमंड लाइक मार्किंग, डायमंड लाइक मार्किंग कर देता है, मार्क करता है। प्रेजेंस द फॉरेक्स एंड ब्लैक स्ट्रिप इन द वाइट बैग प्लांट होकर के थ्रू होता है। द इंसेक्ट नेम इट्स लुकिंग लाइक विंगलेस स्मॉल रेडिश कलर। तो फ्रेंड राइस मिली बग के थ्रू यह होता है, फिलेमेंटस टाइप में होता है, मिली बग होता है, राइस का मिली बग कह देते हैं, स्मॉल रेडिश टाइप में होता है, विंगलेस होता है। और आगे का क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ अपीयरिंग ब्लैक ब्लैक स्पॉट का रीज़न क्या है ग्रेन्स में? ग्रेन्स रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, 10-15 सेंटीमीटर लीव्स पर पैनिकस पर इंसेक्ट एग दे देता है। तो राइस ईयर हेड बल्ब। ठीक है, अब आगे है, आगे आपका है ये इम्पोर्टेंट, जल्दी जल्दी ये जो है देखिए, टर्मिनल रोलिंग जो है टिप्स के थ्रू होगा फ्रॉम टिप टू बेस, टिप टू बेस की तरफ। ठीक है, टिप से बेस की तरफ और सेंट्रल सूट को ट्राई करके चैफी ग्रेन्स, चैफी टाइप में ग्रेन्स को कर देगा। तो स्टैम बोल कर सकता है, सेंट्रल सूट को ट्राई सुखा देगा, एकदम फॉलो कर देगा स्टैम बोरर। ETL अभी इसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ना तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने PDF में दे रखा है। इस रीजन ऑफ एलोइस वाइट इज लॉन्गिट्यूडनल मार्जिनल ब्लॉचिंग। ठीक है, होर्न मैगेट, ओके, होर्न मैगेट एक की पेस्ट है इसका, यह आइडेंटिफिकेशन बता रहा है कि ये इस तरीके का सिम्टम्स दिखा सकता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे कि इसमें स्पीडिंग एट लीफ टिप इन राइस रिजल्ट इन वाइटनिंग ऑफ द टॉप, और लीफ के टिप पर राइस रिजल्ट वाइटनिंग वाइट कर देगा, सब्सपेक्ट कर टॉप पर 3-5 सेंटीमीटर ऑफ द लीव्स, लीव्स के लीडिंग ऑफ नेक्रोसिस। इसको क्या नेक्रोसिस बोल देंगे, दे रहा नेक्रोसिस। ठीक है, इज ऑल्सो डिस्टॉर्शन ऑन द फ्लैग लीफ, फ्लैग लीफ को इनक्लोज हो जाएगा।
है तो इसका कारण क्या है, मेन कारण क्या है, आइस टीप नेमेटोड, ये नेमेटोड होता है। इसका साइंटिफिक नेम भी दिया हुआ है एफलिन क्वेट्स बेसी, ठीक है। बाकी का भी चीज़ दिया हुआ है इसमें, आप पढ़ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट अच्छी इम्पोर्टेंट चीज़ बता देते हैं। द इम्पोर्टेंट कॉन्स्पीसीज अकर एट द ट्रेलिंग स्टेज, ट्रेलिंग स्टेज में ये इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। और आगे है राइस नॉट करेक्टर हॉर्स हो सैप, ठीक है। हुक लाइक गाल ऑन गाल्स ऑन बूट्स, हुक लाइक इस टाइप कैरेक्टर कुछ दिखाई देता है फ्रेंड्स। रूट रोट नॉट लिमिटेड, ये भी है, इसका भी जिक्र नहीं किया, इसका भी साइंटिफिक नेम दिया हुआ है ये रहा, ठीक है। न्यूली इमर्ज लिप्स अपीयर डिसऑर्डर्ड एंड रिंकल अलोंग द मार्जिन्स, रिंकल कर देता है, स्टंटिंग पैचेस, जो पैचेस होते हैं उसको स्टंटिंग भी कर देता है। क्लोरोसिस इसी कारण होता है, प्लांट फ्लावर नेचुरली अर्ली ये भी हो जाता है, प्रोडक्शन इज नो टिलर्स ये भी हो जाता है, साइज ऑफ ईयर होट इज रिड्यूज, जब ईयर हेड का साइज जो है रिड्यूज हो जाता है, नंबर ऑफ ग्रेन भी रिड्यूज हो जाते हैं, इसका रूट राइस रूट नॉट लिमिटेड के कारण हो जाते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करने वाले थे, और आगे का मैनेजमेंट जो पेस्ट का मैनेजमेंट है उसमें भी डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में, तो आप देखना न भूलिए, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें, सन यह पता चल सके गलती और सही क्या है, क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या गलत हो रहा, मतलब कुछ गलत भी हो तो उसके बारे में हमें पता चल सके क्या हो, और बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, लाइक करें ताकि हम और अच्छी वीडियो बनाएं। पैडी कंप्लीट करने के बाद कोई और क्रॉप लाएंगे, पैडी क्रॉप कंप्लीट होने के बाद ये रिटेन वाला कंप्लीट होने के बाद MCQ भी लाएंगे, MCQ क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे इसी के माध्यम से, ठीक है। तो आप अपने आर्य भाई को कभी निराश नहीं होने दीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छे से पढ़ें ताकि आपका सेमेस्टर भी कंप्लीट हो सके, और आप अगले जो कंपटीशन देने वाले हैं उसमें भी से क्वेश्चन इसमें जरूर मिलेंगे। तो मैंने अपना परिचय दे चुका और एक बार फिर परिचय दे देता हूँ, मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर राजस्थान का क्वालिफाइड स्टूडेंट रहा हूँ, और AMU MSc AG हॉर्टिकल्चर से क्वालिफाइड स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं आपको यह सब शेयर करना चाहता हूँ, और शेयर करके मुझे खुशी हो रही है कि हम शेयर कर पा रहा हूँ, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो में शेयर कर पाता हूँ ताकि जल्दी आप तक पहुँच जाए। ओके, नमस्कार, जय हिंद।